नमस्कार, ईपीएफ एग्जाम पाथफाइंडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर यानी कि DACFW में निकली डायरेक्टर की इस पोस्ट के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर में डेपुटेशन के तहत डायरेक्टर की ये पोस्ट निकली है। इसकी मेन मेन क्वालिफ मेन मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए है वो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर आपके पास इन दोनों में से किसी भी स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप एजुकेशनली क्वालिफाइड हैं। वर्क एक्सपीरियंस की जहाँ तक हम बात करें तो कम से कम 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए इस फील्ड में, ऑपरेशन या और रिपेयर और मेंटेनेंस और डिज़ाइन डेवलपमेंट या टेस्टिंग किसी भी तरह के एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, मशीन्स की, जैसे ट्रैक्टर्स हो सकते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज या इनसे इन द्वारा इशूड कोई भी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट की अगर आपको रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, डिज़ाइन डेवलपमेंट का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके पास तो आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं। डेपुटेशन के गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक एज लिमिट 18 से 56 साल की है, अपर एज लिमिट 56 साल की है। एप्लीकेशन प्रोसेस की स्टार्टिंग डेट 13 जून 2020 है और लास्ट डेट 12 अगस्त 2020 है। अगर आप इस एप्लीकेशन, इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। इसके इसलिए बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज अवेलेबल हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं आपको इसकी सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। केवल एक पोस्ट इसके लिए अवेलेबल है, ये ग्रुप ए की पोस्ट है और लेवल 12 पे 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 मैट्रिक्स में लाई करती है। इस पोस्ट से रिलेटेड सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बायोडाटा, CV, प्रोफॉर्मा आप फिल करके सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके दिए गए पते यानी कि यहाँ पर भेज सकते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड और कुछ भी डिस्कशन या जानकारी के लिए या सवाल जवाब के लिए आप सीधा सीधा हमारे कम्युनिटी फोरम पर भी आ सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।